दोस्तों, अगर आपने सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण किया है, सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अगर आपकी प्रोफाइल सत्यापित नहीं है, असत्यापित, इस तरीके का मैसेज होना शुरू हो रहा है कि आपकी प्रोफाइल असत्यापित है, आप किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, इस तरीके का अगर मैसेज शुरू हो रहा है, तो आपको अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से सत्यापित कराना है, कैसे आप प्रोफाइल को सत्यापित करा सकते हैं, सत्यापित कराने के बाद आप किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आपको सत्यापित कराना है, सारी जानकारी आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो देखिए, जब भी आप जो सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं, सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जो अपनी प्रोफाइल को आपको सत्यापित कराना होता है। जैसे ही आप नौकरी के लिए किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे, तो तुरंत ही आपको इस तरीके का मैसेज शो होगा कि आपकी प्रोफाइल जो असत्यापित है, और आपके डैशबोर्ड पर भी मैसेज यहाँ पर जो रेड कलर के इस तरीके का जो शो होगा। तो आपको जो प्रोफाइल को सत्यापित कराना होगा। प्रोफाइल कहाँ से सत्यापित कराएंगे, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर भी देखने को मिल जाएगा कि सेवा योजन कार्यालय में जाकर के अपना जो प्रोफाइल सत्यापित कराएं। तो आपको जो क्या करना है, सेवा योजन कार्यालय में जाना है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, फोटो हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें लेकर के जाना है, और वहाँ पर आपको सेवा योजन कार्यालय में जाना है, वहीं से आपकी जो प्रोफाइल सत्यापित की जाएगी। हो सकता है एक आपसे जो शपथ पत्र भी लिया जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहीं पर जाइए, वहीं से आपकी जो प्रोफाइल सत्यापित की जाएगी। सेवा योजन कार्यालय पर जाइए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए, और तुरंत ही वहाँ से सत्यापित आपकी प्रोफाइल कर दी जाएगी। जैसे ही वहाँ पर सत्यापित होगी, आपके प्रोफाइल में तुरंत ही अपडेट जो हो जाएगा, और आप किसी भी वैकेंसी आवेदन कर पाएंगे। इसी तरीके जो आप सत्यापित करा सकते हैं, आपको सेवा योजन कार्यालय में जाना होगा, तभी आपकी जो प्रोफाइल सत्यापित होगी। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी जो पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू।